निमकी की ख्वाहिश हुई पूरी। लोगों की मदद करने के लिए निमकी को मिला नया रास्ता। जी हां, निमकी मुखिया से बनी विधायक और अब सीएम बनकर करने जा रही है हर किसी के दिलों पर राज। जी हां, लोगों का भला करना ही निमकी का एकमात्र मकसद है और निमकी को ऐसा लगता था कि विधायक होकर उसके पास उतनी अथॉरिटीज नहीं थी जितनी सीएम बनकर मिलती है। बस फिर क्या था, अपनी मेहनत के दम पर निमकी अब सीएम बन चुकी है और देखिए ना, निमकी के सीएम बनने के बाद घर पर खुशी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। आंटी दिखते हैं का दीदी, अंकल की बीवी आंटी तो होती है ना। अपनी जवानी को ठीक करने का एक बड़ा जबरदस्त सलाह, शॉपिंग में चले जाना। हम तो कहते हैं शॉपिंग पे चल, और वैसे भी हमको नया कपड़ा खरीदना है। ये विधायक का कपड़ा से हम बोर हो गए, कुछ नया पहनना चाहिए, एकदम डिफरेंट होना चाहिए सीएम का कपड़ा। मुझे कोई बड़ा डिजाइनर बोलना है, मनीष बोलो ना कैसा रहेगा। आज तो किसी की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अगर ऐसा बात है ना तो आज जाके हम चार छह ठो अंग्रेजी का किताब भी आते। बढ़िया बात है। आइए अब आपको टुन्ने के ही पास लेकर चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं पूरे सीन के बारे में, वो भी डिटेल में। वो निमकी तो वैसे ही शुरू थी ना कि निमकी का कुछ प्लान था ही नहीं। वो एक अलहड़पने वाली, अपने मन मस्त मौला जीने वाली लड़की थी। उसको पहले कुछ भी नहीं बनना था। फिर उसके जहन में ये विधायक मुखिया बनने का ख्याल आया, फिर मुखिया से वो विधायक हुआ। और अभी उसको लगता है कि विधायक के लेवल पर जाने के बावजूद भी वो बहुत सी चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसके हाथों में उतनी अथॉरिटी है नहीं। अथॉरिटी बहुत ऊपर लेवल पर है। तो फाइनली वो डिसीजन लेती है कि मुझे अब सीएम बनना है और सीएम बन के अपने समाज को जिस लेवल तक मैं सुधार सकती हूँ, मैं कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो वो डिसीजन के लिए बस निमकी उस डिसीजन के साथ आई, हम सब उसके साथ हैं और वो फाइनली सीएम बन गई है। सो या टुन्ने, निमकी सीएम तो बन गई है, ऐसे में ये तो बताइए कि निमकी को अभी और क्या क्या हासिल करना है। तो सब हमारी अपनी अंदर की प्लानिंग है, स्ट्रैटेजीज हैं कि हम कैसे क्या कर दें कि निमकी विधायक से इमीडिएटली सीएम बन जाए। अभी इतनी सारी चीज़ें स्टोरी ब्रॉडवे पे है, अभी मैं देखते रहो, आपको भी पता चलेगा, मैं बता दूंगा तो फिर अभी मज़ा क्या आएगा। वो सारी हमारी प्लानिंग है, देखोगे तो आपको मज़ा आएगा। वैसे टुन्ने, गंगा देवी नहीं चाहती थी कि निमकी सीएम बने, ऐसे में गंगा देवी का क्या हाल हो रहा होगा ये तो बताइए। गंगा देवी की हालत बहुत पतली है, गंगा देवी बहुत परेशान है, क्योंकि गंगा देवी पैदा होने से पहले उनका सपना था कि वो सीएम बने। हालांकि वो रिटायर्ड सीएम रह चुकी हैं, फिर से दोबारा से उनका सपना था, हमेशा सत्ता में रहना चाहती थी। इसी वजह से शायद वो निमकी को अपने पास बुलाकर उसके बैठ के बात भी करती थी, उसको अपने साथ रखती थी, क्योंकि ये इंटेलिजेंट लड़की है। उनको डर था कि अगर ये बन गई, अगर ये मेरे से अलग रही तो बन जाएगी। तो फिर उसको अपने साथ रख के वो करती थी, जिस पोस्ट पे तुम हो वो सही पोजीशन है, उसी को अच्छे से पालो संभालो। पर गंगा देवी अभी जब उनको सडनली ये चीज़ पता चली कि अरे यार ये लड़की तो खेल गई, लड़की तो सीएम बन गई, तो गंगा देवी तो बहुत परेशान है। अब देखिए गंगा देवी क्या करती है, देखना ये इम्पोर्टेंट होगा और मज़ेदार होगा, गंगा देवी क्या करती है। वेल, निमकी के सीएम बनने के बाद गंगा देवी अब क्या करेंगी ये देखना वाकई इंटरेस्टिंग होगा। मुंबई से ज़ारा खान की रिपोर्ट, E24।